दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। हमारे साथ हैं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुमित गौड़, प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। कल आपने एक प्रेस वार्ता देखी होगी मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर की, उन्होंने बोला फरीदाबाद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शहर का एक थोड़ा सा हिस्सा ही है 2500 हेक्टेयर का, उस पर कुछ रिएक्शन देना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार धर्मेंद्र जी। सर कल आपने इंटरव्यू जरूर देखा होगा। धर्मेंद्र जी मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से आपके व्यूवर्स को, मैंने कल वाला इंटरव्यू देखा चौधरी किशन पाल गुर्जर जी का, जो बीजेपी सरकार में भारत सरकार में मंत्री भी हैं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं और मैं साफ तौर पर कहने जा रहा हूँ कि पूरी समस्त बीजेपी के समस्त नेतागण, चाहे वो प्रदेश के हों चाहे वो केंद्र के हों, ये झूठ भी इतनी सफाई से बोलते हैं और इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि लोगों को सच लगे। लेकिन अब जनता ना केवल फरीदाबाद की, ना केवल हरियाणा की, पूरे देश की बीजेपी की कथनी और करनी को जान चुकी है, बीजेपी के भ्रष्टाचार को जान चुकी है। आज आप देख लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट, भुखमरी, महंगाई का तो रिकॉर्ड ही टूट गया है। नहीं आप लोग कहते रहते हैं सर कि पूरा फरीदाबाद स्मार्ट सिटी नहीं बन पाया। मंत्री साहब कह रहे हैं कि सिर्फ छोटा सा हिस्सा है, ज्यादा हिस्सा नहीं, सिर्फ 2500 हेक्टेयर का हिस्सा ही है। आप पूरे फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनने का सपना मत देखिए, ऐसा उन्होंने बोला। धर्मेंद्र जी मैंने भी आपका वीडियो देखा था पूरा, आप उस और आपके व्यूवर्स भी द्वारा देख सकते हैं, इतने नेगेटिव कमेंट्स आए हुए उसके नीचे, आप देखने जरा, शायद ही 1% पॉजिटिव होगा, बाकी पूरे फरीदाबाद ने नेगेटिव उस पर कमेंट्स किए हैं। तो इससे पता चलता है कि, और जैसे का मात्र एक हिस्सा मैंने कहा ना छलावा, ये लोग झूठ भी ऐसे बोलते हैं। जब घोषणा हुई थी ये कहा था कि इतने 1000 करोड़ रुपए फरीदाबाद को दिए गए, पूरा फरीदाबाद स्मार्ट सिटी में तब्दील होगा। अमित शाह जी का धन्यवाद, मोदी जी का धन्यवाद, फलाने जी का धन्यवाद, उसका धन्यवाद। अब जब इनसे फरीदाबाद तो सुधरा नहीं, अभी सड़कें किनारे थे, मैंने देखा मात्र 3-4 सड़कें गिना दी, ये 15A 16A की डिवाइडिंग रोड, सेक्टर 10-12 की डिवाइडिंग रोड, 21 सेक्टर वाली रोड, तो क्या यहीं पे लोग रहते हैं क्या? नहर पर आप जाके देखिए, मैंने समय समय पे दिखाया है इन बीजेपी वालों की स्मार्ट सिटी आपके माध्यम से और भाइयों के माध्यम से, कूड़े के ढेर इस यहाँ पर हैं, सड़कों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़कें हैं, घरों में नलकों में पानी नहीं आता, बाहर सड़कों में पानी जमा है। और एक बात और कही कि सेक्टर 16 में पानी नहीं भरता। मैं कहता हूं कि बीजेपी सरकार के सभी नेताओं को चेतावनी देता हूं, आज तो थोड़ी सी बारिश हुई है, इसमें भी पानी भर चुका है सेक्टर 16 की सड़कों पे। किसी में भी दम है, अगर किसी के अंदर भी अगर सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं चेतावनी दे रहा हूं बीजेपी के समस्त नेताओं को, मेरे से सामना करें। मैं आपके माध्यम से, मैंने इस फरीदाबाद में जो अपना जो ये खेड़ी पुल के बाहर जो भारत कॉलोनी जो रोड बनने जा रही थी, उससे पहले वहाँ धरना भी दिया, वहाँ भी मैंने आप सब लोगों को बुलाया, वो सड़क खराब, वहाँ कूड़ा, अभी जो चुंगी वाली रोड है ओल्ड फरीदाबाद की, वहाँ पर सारा कूड़ा दिखाया गया। शमशान घाट जहाँ पर, क्योंकि मैं कहना चाहूँगा कि सभी नेतागण सभी समाजी लोग शमशान घाट महीने में 1-2 चक्कर लग जाते हैं, हम सबका दायरा बड़ा है, सर्कल बड़ा है, सबके यहाँ जाना आना पड़ता है, और कम से कम महीने में 4 चक्कर तो वहाँ पे भी मैंने खुद देखा है। केंद्रीय मंत्री भारत सरकार किशन पाल गुर्जर जी को, हरियाणा इनके फरीदाबाद ओल्ड फरीदाबाद जो विधानसभा है वहाँ के MLA, मैं जो तो नाम मतलब ये लगता ही नहीं कि कौन है सरकार में, कौन काम कर, समझ ही नहीं आ रहा, और यहाँ के मंत्री भी सब देखे मैंने। उस शमशान घाट जो मोबाइल रोड पे जो ओल्ड फरीदाबाद की सबसे बड़ी फरीदाबाद की जो शमशान घाट है, जहाँ पे एक दिन हर इंसान को जाना है, सब ने जाना है, कोई नहीं रुकने वाला, उसके बाहर जब लोग जो शव यात्रा लेके आते हैं अपने परिजनों की, वहाँ पे काई बन चुकी है, पानी का पानी जमा हुआ पड़ा, बुरा हाल है, गंदगी, सड़कें खराब है, मतलब आप ये देखिए, ये तो भगवान के भी साथ नहीं है तो आम जनता को तो कहाँ साथ देंगे ये लोग, ये वो उस प्रजाति के लोग हैं। सर आप स्मार्ट सिटी में रहते हैं, क्योंकि आपके सामने वाला रोड कह रहे बना दिया स्मार्ट रोड, बना दिया इसको, यहाँ तो पानी नहीं भरता होगा ना, यहाँ पे साइकिल ट्रैक के नाम पे घपला किया है, यहाँ पर जो रोड अभी बनाई जिसमें कई करोड़ों की चीज बनाई है, मैंने इसकी भी रात को एक वीडियो जारी करी थी, स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी है जिसका बिल भी पास हो चुका है, पेमेंट हो चुकी है,
स्ट्रीट लाइट 3 दिन चली है और ये दो भले ही 2 रोड बनाई है लेकिन इन रोडों पे भी पानी की निकासी नहीं है। आप सभी लोग यहाँ से गुजरते हैं, पानी यहाँ भी खड़ा होता है, वो जूर है कि और जगह से कम खड़ा होता है। आपसे मैं कहना चाहता हूँ, देखिए आज पूरे हरियाणा अस्त व्यस्त है, फरीदाबाद को तो इन्होंने फकीराबाद बना दिया, पूरा फरीदाबाद ये लोग खा चुके हैं। एक चीज कहना, देखिए कभी ऐसा होता है कहीं कहीं अगर कोई विरोधी भी आपका अगर अच्छा काम करे तो और तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। मैं उस पर लोग हूँ, मैं तो कई बार अगर मुझे लगा हमारी पार्टी की सरकार थी कई बार कभी लगी तो मैंने उस समय भी बोला, तो उसी तरीके से मैं कहूंगा। देखिए हालांकि यूपी में बीजेपी सरकार है, उससे पहले मुलायम सिंह यादव जी सरकार थी, अगर इन्हें स्मार्ट सिटी देखनी है ना तो जाके देखिए नोएडा में कितनी हरियाली है, पेड़ों की ट्रिमिंग करके रखते हैं, साफ सफाई का बाकी तो मुझे यूपी का पता नहीं, बाकी जगह भी खैर क्राइम के मारे महंगाई के मारे बुरा हाल तो है, लेकिन जब दोनों जगह मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं तो मैं व्यूअर्स से भी कहना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुने मेरे व्यूअर्स भाई, जब यूपी का मुख्यमंत्री बीजेपी का मुख्यमंत्री नोएडा और 2-3 शहरों को साफ रख सकता है, बाकी जगह तो वहां भी खुदा पड़ा है, तो हमारा जो फरीदाबाद जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू अगर हरियाणा सरकार में कुछ जाता है तो पहले नंबर पे गुड़गांव फिर फरीदाबाद, और एक समय ऐसा था जब गुड़गांव भी फरीदाबाद से पीछे था रेवेन्यू देने के मामले में, आज उसी फरीदाबाद को उजाड़ के रखा हुआ है, उस जिस फरीदाबाद और गुड़गांव से पूरा हरियाणा चल रहा है यहाँ के रेवेन्यू से, उसी का बीड़ा करके रखा है। गुड़गांव में पानी भर रहा है, बुरा हाल है, गाड़ियां डूब रही हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, और अगर मैं माननीय मंत्री किशन गुजरी जी से एक सवाल करना चाहता हूँ उसी जो मैंने सुनी उसके ऊपर, अगर इतने आश्वस्त हैं आप, मैं कहना चाह रहा हूँ बड़ा ध्यान सुनना, ये मैं कह रहा हूँ बीजेपी सरकार के मंत्री से, केंद्रीय मंत्री से, बीजेपी सरकार के फिर और जो हमारी मेरी विधानसभा क्षेत्र है ओल्ड फरीदाबाद 89 जहाँ मेरा घर भी है, मेरी कर्म भूमि भी है, वहाँ के सिर्फ एक बार के बने विधायक नरेंद्र गुप्ता जी से कह रहा हूँ और यहाँ के मंत्री से कह रहा हूँ, यहाँ के सभी पार्षदों से कह रहा हूँ, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें, अगर आप लोग इतने आश्वस्त हैं तो आप लोग नगर निगम के इलेक्शन क्यों टालने जा रहे हैं? आप लोगों ने गांवों के जिला परिषद के इलेक्शन टलवा दिए, वो जाके 1.5 साल लेट हुए, आप लोग अब नगर निगम के चुनाव टलवा दिए, नगर निगम के चुनाव ऑलरेडी 1 साल से ज्यादा लेट हैं, वो क्यों लेट हैं कि अभी आपको पता है कि आपको एक तो इन्होंने चुनाव हारना है नगर निगम का बुरी तरह, शहर पूरा रो रहा है आज खून के आंसुओं से, दूसरा इन्होंने अपने चुनाव जीतने के लिए एक एक वार्ड में 5-5 टिकट बांट रखी है, किसी वार्ड में तो मंत्री जी ने का टिकट बांट रखी, किसी वार्ड में विधायक जी ने टिकट बांट रखी है, तो इन्होंने एक एक वार्ड में 5-5 इन्हें काम करने वाले बेवकूफ प्राणी मिले हुए हैं, जिन्हें मैं कहूंगा वो बेवकूफ भी हैं और वो अंधभक्त भी हैं। तो ये चुनाव दो जिस दिन चुनाव हो गए बीजेपी का नगर निगम में सिंगल डिजिट में भी नहीं आएगी, पहली बात। दूसरी बात, ये इनको पता है कि फरीदाबाद नगर निगम चुनावों से जो आज कांग्रेस के पक्ष में जो पूरे हरियाणा में आंधी चल रही है तो वो आंधी और तेज हो जाएगी, वो सुनामी में तब्दील होगी। कांग्रेस पार्टी का जो ग्राफ हरियाणा में अब जो बढ़ चुका है, आज ये आलम है कि कांग्रेस पार्टी की 70+ सीटें आएंगी, बीजेपी की 8-9 सीटों पर सिमट के रह गई है। इनको पता है कि अगर नगर निगम चुनाव फरीदाबाद करा दिए तो ये जो 8-10 सीटें आनी है हमारी ये भी नहीं आएंगी, 4-5 तो यहीं कम हो जाएंगी और शहरों में कम हो जाएंगी, एक एक और जो जहाँ जहाँ आनी है। तो मैं साफ कहना चाहता हूँ, मैं व्यूवर से एक बात और कहना चाहता हूँ आपके उनसे, हो कुछ आपके अंधभक्त भी होंगे लेकिन जब कोई इंसान आपको जब लग जाए सच बोल रहा है और आपकी बात को आगे ला रहा है तो आपको उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसने इस शहर में नाव भी चलाई पानी के ऊपर, मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसने दूरबीन से यहाँ पर विकास दिखाया, और बीजेपी के नेता जो रात को शादियों रईसों की पार्टियों में जरूर मिल जाते हैं आम लोगों के सुख दुख में नहीं दिखाई देते, मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो कूड़े के ढेर पे कपड़ों समेत नीचे बैठा आवारा इन गो भक्तों को इनकी जो गाय यहाँ पे छोड़ है वो भी दिखाई। तो मैं साफ कहना चाहता हूँ कि ये स्मार्ट सिटी के नाम पे अपने और अपने परिवार छोड़ो अपने खानदान तक के वारे नारे कर चुके हैं, कई के हजारों करोड़ रुपए का गबन हो चुका है, बीजेपी सरकार के पास अब सर छुपाने की जगह नहीं बची है। आप देख लेना चाहे वो देश के चुनावों और विधानसभा के चुनावों में
विधान और लोकसभा चुनावों से पहले, फिर कह रहा हूं, अभी देखिए आप नूह में हुआ है, इसमें भी बीजेपी की इन्वॉल्वमेंट आएगी। कैसे आएगी, ऐसा क्यों? देखिए जब ये नूह में, थोड़ा सा आपको रोकूंगा, वो अलग मैटर है। मेरा सवाल ये है 2500 हेक्टेयर ही स्मार्ट सिटी बनेगा तो बाकी के लोग क्या करें? सपना देखना बंद कर दें क्या? वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा? अगर नहीं हो पाएगा तो वहाँ पर विकास कौन करा पाएगा सर? स्मार्ट सिटी 5 जगह बनी है फरीदाबाद में, मैं खुद कह रहा हूँ स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की, आप लोगों ने व्यूवर्स ने देखनी तो मैं 5 आपको पते बता देता हूँ, वहाँ पे है स्मार्ट सिटी। मैं कांग्रेस तब भी कह रहा हूँ, सेक्टर 28 जो केंद्रीय मंत्री किशन गुर्जर जी के घर और कार्यालय वाली जो रोड है और जो हाईवे से उनकी रोड उतरती है, एक तो वो स्मार्ट सिटी है क्योंकि वहाँ पे वो रहते हैं। दूसरी स्मार्ट सिटी जहाँ पे विधायक नरेंद्र गुप्ता जी का खुद का कार्यालय है, ये कार्यालय ये जो रोड जाती है, जो रोड बनी है उनके कार्यालय की तरफ ही जाती है आगे जाके, ठीक है। और एक उनका जो घर है वो पॉकेट आप देख लीजिए। तीसरा आप मूलचंद शर्मा जी के कार्यालय के बाहर वाली रोड देख लीजिए, वहाँ भी काम चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब, और चौथा सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा, जो जहाँ जजेस रह रहे हैं, अधिकारी रह रहे हैं, पुलिस रोड बन रहा है, वहाँ रोड बन रहे हैं, लेकिन जहाँ से इन्होंने वोटें ली हैं, जो जहाँ पे इनको मास पॉपुलेशन वोटें दी हैं, ओल्ड फरीदाबाद का सारा कॉलोनियाँ, भारत कॉलोनी, पदम नगर, इंदिरा कॉलोनी, यहाँ संत नगर, कहीं चले जाओ आप, प्लस आप ओल्ड फरीदाबाद की गोपी कॉलोनी, बसेलवा कॉलोनी, भूर को कहीं चले जाओ आप, पंजाबी वाड़ा, खत्री वाड़ा, ब्राह्मण वाड़ा, कहीं जाइए आप, आज उस वहां पर विकास नाम की जगह आपको वी भी नहीं दिखाई देगा, केवल गंदगी और कूड़े के ढेर हैं। ये बीजेपी सरकार ने जाति व धर्म के नाम पे वोट बटोरी है। और कहना चाहता हूं, हर बार कहता हूं, अब देखना आने वाले लोकसभा चुनाव से भी पहले ये प्रेम और प्यार का सौहार्द बिगड़ेगा, ये बीजेपी वाले जो हिंदू मुसलमान करेंगे, और मैं इस देश व प्रदेश का भाईचारा बिगाड़ रख दिया है ना, ये हर मोर्चे में फेल है, चाहे महंगाई, चाहे क्राइम, चाहे बेरोजगारी, चाहे डेवलपमेंट, भ्रष्टाचार में चरम का सारी सीमा लांग चुके हैं। आपने सिर्फ अपने फरीदाबाद विधानसभा को ही देखा है, अभी बहुत सारे एरिया है, NIT का एरिया है, बड़कल का एरिया है, बल्लभगढ़ का एरिया है, नहर पार का एरिया है, पीछे आप चले जाओ सर सोहना रोड के आसपास का एरिया है, चाहे पर्वतीया कॉलोनी हो, सारण गांव हो, उड़िया कॉलोनी, उधर कहीं भी चले जाओ सेक्टर 55, 56, 58, 59, 57। तो क्या वहां पर स्मार्ट सिटी नहीं बनेगी? वो बेचारे क्या करें, ये बताइए। मैं बताता हूं, वहां पर स्मार्ट सिटी इनसे 9 सालों में नहीं बनी है और ना ही बनाएंगे। वहां के तो बिल भी पास हो गए होंगे, पैसे भी चले गए होंगे, ठीक है जी, इस सब इनमें बटपटा गए होंगे, अधिकारी भी शामिल है। स्मार्ट सिटी के जो हिस्से आपने गिनाए हैं, मैं दो बातें कह रहा हूं दावे से, अगर 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, ये जनता का विश्वास है, जनता का प्यार है, आशीर्वाद, जनता ने 2005 से लेकर 2014 तक का कांग्रेस पार्टी का सुख में हरा भरा माहौल देखा है। तो आपके माध्यम से समस्त फरीदाबाद कहता हूं, इनसे उम्मीदें छोड़ दें। और ये भी आपको आश्वासन देता हूं, 2024 में कांग्रेस पार्टी के समय में आपको यहां पे विकास की गाथाएं फिर से लिखी जाएंगी। एकदम तो वो भी नहीं कर पाएंगे कि एक हफ्ते में कर दें, यस आपको पहले महीने से ही असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और दूसरा चैलेंज देता हूं पूरी बीजेपी को, आज कोई भी नेता इनका मेरे साथ, मैं 150 कॉलोनी गिनाऊंगा फरीदाबाद की, उनमें मेरे साथ चले, हम दोनों चलते हैं मुरादी करते हुए, अगर इन्हें एक बंदा भी मारा डालने आ जाए, अपना कोई भेजने के पीछे अलग बात है, वहां का वासी और सुना सुना के ना इन्हें मार दें तो मैं दावा देता हूं, ये मेरा कहता हूं। और ये भी कह रहा हूं कि इस बीजेपी सरकार ने केवल जुमलेबाजी करनी है, धरातल पर इनके पास कुछ नहीं है करने को, इन्होंने जो लोगों को लूटना था, बटोरना था, जो लोगों से करना था कर चुके हैं लोग, ये केवल और केवल प्रॉपर्टी डीलिंग, अपने उद्योग धंधों इनमें इन तक में सीमित हैं। और आज इन्होंने इतनी प्रॉपर्टियां, इतना आता कर लिया है काम कि अब इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार आए नहीं आए, इनकी इनकी सारी इच्छाएं, मतलब इच्छाएं से भी इच्छाएं इनकी पूरी हो चुकी हैं। तो ये, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, हमेशा मैं बोलता हूं कि दुआ और बददुआ होती है, आम जनता की इतनी बददुआएं, इतनी हाई लगती हैं, ये पैसा नहीं बचा पाएगा, समय से पहले बीमारियां झेलेंगे, समय से पहले परेशानियां झेलोगे, क्योंकि मैं आपको बता देता भाई, देखिए दुआ जरूर कमानी चाहिए इंसान को, दुआ 100 लोग देंगे तो एक की लगेगी शायद, और बददुआ अगर 100 भी देंगे और दिल से देंगे तो 100 के 100 की लगेगी। तो जो अधिकारी भी लिप्त हैं वो भी ट्रबल में आएंगे, ये बीजेपी के नेता भी ट्रबल में आएंगे, क्योंकि इस समय पूरा फरीदाबाद रो रहा है।
ठीक है सर, धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। तो सर कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हर तरफ विकास दिखेगा। अभी तो सिर्फ 2500 हेक्टेयर में स्मार्ट सिटी का एरिया शामिल हुआ है, जो मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का कहना है कि 2500 हेक्टेयर एरिया ही स्मार्ट सिटी का हिस्सा है, और बाकी क्या डेवलपमेंट होगा, कैसे काम होगा, इस बात का रिप्लाई उन्होंने कॉन्फ्रेंस में नहीं दिया। उन्हें बताना चाहिए था कि और भी एरिया में किस तरह से काम होंगे, क्योंकि वहाँ की पब्लिक अब सोचने लगी है शायद हमें हमारे हाल पर ही छोड़ दिया जाएगा। आप देख सकते होंगे डबुआ कॉलोनी, जवाहर कॉलोनी, उड़िया कॉलोनी, पर्वतिया कॉलोनी, सारण गांव, बड़कल, अनखीर गांव, इधर नहर पार, भारत कॉलोनी, खेड़ी रोड, ओल्ड फरीदाबाद का एरिया, पल्ला क्षेत्र, सेहतपुर क्षेत्र, इस्माइलपुर, बसंतपुर, बल्लभगढ़, मुजेसर और सेक्टर 55, 56, 57, 58, 59, 60 चाहे देख लो, वहाँ के एरिया में किस तरह से काम होगा उन्हें तुरंत बता देना चाहिए था। लेकिन वहाँ पर सिर्फ ये जवाब दिया गया कि सिर्फ 2500 हेक्टेयर एरिया ही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल है, बाकी आप लोग काम कराएंगे आगे वाला है। हर हालत में कराएंगे, अब कोशिश पूरी रहेगी, धीरे काम होगा, ये नहीं होगा कि एक ही दिन में हो जाएगा। लेकिन मैंने जैसा पहले कहा, आपको पहले महीने से ही त्वरित कार्रवाई दिखेगी, और मैं ही वो व्यक्ति हूँ, अगर मुझे कोई कमी दिखाई देगी तो मैं अपनी सरकार में भी आवाज उठाऊंगा, मैं साफ कहता हूँ। ठीक है सर, धन्यवाद आपका, धन्यवाद।